नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की कहानी सुल्तानपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक पुराना बस स्टॉप था जो रात के समय एकदम सुनसान पड़ा रहता था। रात के समय गांव का कोई भी व्यक्ति उस बस स्टॉप के पास नहीं जाता था। गांव के सभी लोग रात के समय उस बस स्टॉप पर जाने से डरा करते थे। गांव के लोगों का मानना था कि रात के समय उस बस स्टॉप पर एक आत्मा भटकती है जो कि रात के समय अकेले सफ़र करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। एक रात की बात है जब राधिका नाम की एक लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने घर लौट रही थी। जब वो लोग उस बस स्टॉप पर पहुंचे तो वो बस स्टॉप एकदम सुनसान पड़ा था। दूर दूर तक उनको आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तब राधिका ने अपने दोस्तों को बोला, ये जगह कुछ डरावनी नहीं लग रही? तब राधिका का दोस्त बोला, डरावनी तो है, वो यहाँ वहाँ देख ही रहा था तभी अचानक उस बस स्टॉप पर तेज हवाएं चलने लगी। उन हवाओं के बीच राधिका को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई देने लगी जो कि उस बस स्टॉप के पास ही खड़ी थी। तब राधिका ने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुम्हें वहाँ पर कोई खड़ा दिखाई दे रहा है? तब उसके दोस्तों ने कहा, हमें तो यहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन राधिका अपने दोस्तों की बातों को इग्नोर कर लगातार उस आकृति की ओर देखती जा रही थी और धीरे धीरे अपने कदमों को उस धुंधली आकृति की तरफ बढ़ाती रही। उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़क रही थी। आखिर में राधिका जैसे ही उस आकृति के एकदम करीब आई, वैसे ही उसे वहाँ पर एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने राधिका के चेहरे की ओर देखा और उससे कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तब राधिका ने कहा, भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तब उस औरत ने कहा, मैं पिछले 15 साल से यहाँ पर फंसी हुई हूँ, मुझे अपने घर जाना है। राधिका समझ गई कि यह कोई आत्मा है जो मुझसे मदद चाहती है। राधिका ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। लेकिन तभी उस औरत ने अचानक राधिका का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा, तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी इतनी डरावनी हंसी देखकर राधिका बुरी तरह से घबरा गई। राधिका ने डरते हुए उस औरत से कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन उस औरत ने राधिका की एक भी ना सुनी। उसने राधिका की हाथ की कलाई ज़ोर से मसल दी। यह नज़ारा देखकर राधिका के दोस्त भी डर के मारे पूरी तरह से कांपने लगे। इतने में राधिका ने अपने हाथ को ज़ोर से अपनी ओर खींचा और अपना हाथ उस औरत से छुड़वा लिया। अपना हाथ छुड़वाते ही राधिका तुरंत अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग गई। राधिका जब अपने गांव पहुँची तो राधिका ने अपने गांव में आकर उस औरत के बारे में सभी को बताया। तब उसके घर वालों ने उसे बताया कि वो औरत रोज रात को वहाँ पर खड़ी रहती है और आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम जिंदा लौट आई। अभी तक जितने भी लोग उस औरत के पास गए हैं वो कभी जिंदा नहीं लौटे। राधिका उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। उस दिन के बाद राधिका कभी दिन के समय भी उस बस स्टॉप के पास नहीं गई। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।